हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू विद रोहन। एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन प्लस नाइन एस्ट्रल ब्लैक। तो ये मैंने अमेज़ॉन की सेल में मंगाया था और मुझे इस पर 5,000 रुपीज़ का कैशबैक मिल गया था। मतलब एक ऑफ़र चल रहा था अमेज़ॉन की वेबसाइट पे अभी थोड़ा टाइम पहले, तो मैंने तभी इसको मंगा लिया था। तो काफ़ी सही डील थी, तो मेरे को फ़ोन बाय करना था एक और, तो मैंने कहा यही सही टाइम है और ऑफ़र अच्छा चल रहा था HDFC के क्रेडिट कार्ड पे, तो मैंने इसको नो कॉस्ट EMI पे मंगाया। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अभी जैसे बिग बिलियन सेल आने वाली है और अमेज़ॉन पे भी सेल आने वाली है, तो आप जो भी है आप अपने कार्ड्स वार्ड्स रेडी रखिए और इसको फ़ोन को ऑफ़र में ही लीजिए, तो ही बेनिफिट है जैसे कि मैंने लिया है। बाकी जो इसमें इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे, मेरे पास एक और वन प्लस नाइन है जो कि ब्लू कलर का है, आप चैनल देख सकते हो, मैंने उसकी भी अनबॉक्सिंग बना के डाली है। तो दोनों फ़ोनों को जब मैंने वेइंग स्केल पे रखा तो 2 ग्राम का कुछ फ़र्क आ रहा था, तो वो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था कि ऐसे वेट का फ़र्क क्यों हुआ है। अभी तक मेरे को टाइम हो गया ये वाला फ़ोन यूज़ करके भी और वो वाला भी, और मुझे ऐसे कोई इशू तो नहीं आया। हल्का सा वेट का फ़र्क है, वो भी बहुत नोटिसेबल नहीं है, बट दोनों को आप हाथ में उठाओगे, ब्लू और ब्लैक कलर को, तो थोड़ा आपको फ़र्क लगेगा, तो इसलिए मुझे भी लगा। तो फिर मैंने इसको स्पेल पे देखा तो ऐसे 2 ग्राम का फ़र्क था। और बाकी तो परफॉर्मेंस तो इसकी बढ़िया ही है। मैं इसके स्पेक्स बता देता हूँ जो मैंने मॉडल लिया है। ये ऑक्सीजन OS है, एंड्रॉयड 11, स्नैपड्रैगन 888 इसका चिपसेट है, 5G है फ़ोन और एड्रीनो 660 GPU है, 8GB रैम और 128GB वाले मैंने लिया है। बाकी इसके साथ आपको बॉक्स के अंदर सब मिल ही जाता है, जैसे इसका 65W का चार्जिंग ब्रिक, और ऐसा लग रहा था मुझे कि फ़ोन पे स्क्रैच है जब मैंने इसको खोला, बट वो डस्ट पार्टिकल था तो स्क्रैच तो नहीं था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा है, अगर आपको भी पसंद आता है, मतलब पर्सनल प्रेफरेंस है, तो ब्लैक कलर लीजिए क्योंकि लॉन्ग रन में काफ़ी सही रहता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये रहा इसका कैमरा, चार्जिंग ब्रिक, और 65W है, काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाता है ये भी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये टाइप सी है, तो आप इसमें अपनी पुरानी वाली केबल से चार्ज नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्रीवियसली वन प्लस के फ़ोन्स है तो आपको ये USB ही चाहिए होगी, क्योंकि इसका दोनों साइड टाइप सी है। जो पुरानी वाली है मतलब उसको बोलते हैं A to C, ये C to C है केबल। बाकी आपको इसमें भी वही रेड केबल क्लब का स्टिकर, मतलब कार्ड और वन प्लस के स्टिकर्स मिल जाते हैं, जो कि आप अपने घर पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और एक कवर भी मिला था ट्रांसपेरेंट। बाकी अभी मार्केट में इसके कवर्स मिलने शुरू हो गए, अभी मैंने रिसेंटली नेहरू प्लेस से बाय किया थे कवर, 2-3 कवर, तो रफली अराउंड 200 से 300 के बीच में आपको एक अच्छे कवर मिल जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत है आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन भी अब काफ़ी वैरायटी में इसके कवर्स अवेलेबल हैं। जो वन प्लस ऑफिशियल अपने कवर बेच रहे वो थोड़े मेरे को एक्सपेंसिव साइड पे लगे, यूजली जो उनकी कॉस्ट है वो 1000 to 1500 है, तो वो थोड़ा हायर साइड है, बट फिर भी अगर आपको लेने हैं तो वन टाइम आप ले सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। मैंने एक कवर मंगाया था अपने वन प्लस 7 के लिए, तो वो भी काफ़ी सही था निकला था। बाकी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कवर, वो स्टिकर्स है जो कि आप लगा सकते हो, और ये रेड केबल क्लब है। इसमें भी दोस्तों आप अपना इसको क्लेम कर लेना, आप इसके साथ एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, एक ऑप्शन होता है, या डेटा मिलता है, या फिर आप कुछ पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो। तो मैंने तो वारंटी ही क्लेम करी थी, तो यूजली अभी जो वन प्लस दे रहा है वो 4 मंथ्स की एक्सटेंडेड वारंटी दे रहा है,
पहले ये ऑफर था कि 1 साल तक की वारंटी मिल जाती थी आपको, बट अभी ये 4 मंथ से लिमिट हो गया। और मेरे को पर्सनली वन प्लस की सर्विस तो सही लगी है। अभी जैसे कुछ केसेस मैंने सुने कि वन प्लस नॉट टू ऐसे ब्लास्ट हो गया, तो ऐसा इशू तो नहीं है। जब आप चार्जिंग करते हो तो थोड़ा फ़ोन गर्म हो जाता है, इसके अलावा तो ऐसा टचवुड अभी कुछ ऐसा दिक्कत तो नहीं आई है दोनों फ़ोनों में। बाकी इसका कैमरा बहुत अच्छा है, जो सेंसर है, जो हैसलब्लैड का मतलब पार्टनरशिप है, वो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक करता है। बाकी बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है, तो फटाफट से फ़ोन को अनरैप कर लेते हैं। और ये फील काफ़ी अच्छी आती है, अगर आप लोगों को भी जब खोलते होंगे अपना पहली बार फ़ोन, तो उसकी तो बात ही अलग है। और ये लाइट के अंदर ऐसे हल्का थोड़ा डार्क ब्लूश कलर का लग रहा है, बट ये ब्लैक ही है। एक अच्छा वो है टच। बाकी ये पीछे की जो बैक है इसकी, वो प्लास्टिक की है, वो मेटल की नहीं है, तो ये ध्यान में रखना कि जब आप फोन बाय करो। और ये फ़ोन का ऐसे फर्स्ट टाइम बूट है, तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। बाकी दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस पार्ट को मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और फर्स्टली जब आप फ़ोन अनलॉक करोगे, मतलब पहली बार बूट करोगे, तो बेसिक डिटेल्स ही मांगता है, जैसे वाईफाई से इसको डाल दीजिए, अपना वाईफाई एस्केप कर दीजिए। यूजली आप वही नॉर्मल सा होता है कि सब डिटेल्स डाल दीजिए और फ़ोन रेडी हो जाता है। यूजली जब आप फ़ोन खोलोगे तो अपडेट आया होता है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपने फ़ोन लाया तो अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि फ़ोन बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है, क्योंकि कुछ बग्स वग्स होते हैं, तो जो टीम्स होती है वो अपडेट पुश करती है ताकि जो आपका परफॉर्मेंस हो वो काफ़ी सही रहे। तो इसमें भी जैसे दिखा रहा था कि ये अपडेट चेकिंग फॉर अपडेट है, और इसके बाद भी 1-2 दिन बाद भी 1-2 अपडेट आए थे। और यूजली वन प्लस अपडेट तो देता रहता है, और जो काफ़ी इसका जो यूआई है वो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी एक स्मूथ सा एक्सपीरियंस देता है। मैं भी वन प्लस 7 यूज़ कर रहा हूँ, बट उसमें भी मुझको एज सच अभी तक कोई इशू नहीं है, काफ़ी सही चल रहा है वो भी। और जो पुराने फ़ोन से आप इस फ़ोन पे आओगे, तो मेजर डिफरेंस आपको रिफ्रेश रेट का ही लगेगा। जैसे कि जो मेरा वन प्लस 7 है वो 60 हर्ट्स पे है और ये 120 हर्ट्स पे है। तो जब आप फ़ोन को स्क्रॉल करोगे या फिर आप गेमिंग करोगे, तो वहाँ आपको बेनिफिट होगा और वो आपको दिखेगा भी जब आप फ़ोन डे टू डे यूज़ करते हो। और बाकी तो जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो इसकी चार्जिंग है। इस मतलब चार्जिंग तो इतनी तेज़ है कि मतलब आपने थोड़ी देर लगाया, आप इधर उधर गए और 50% तो इजीली चार्ज हो जाता है, 50 से भी ज़्यादा ही हो जाता है, विद इन 20 मिनट्स या 15 मिनट्स या शायद उससे भी तेज़। मतलब मैंने तो जो नोटिस करा वो यही है कि आप थोड़ी देर लगाइए इसे और इधर उधर जाइए, और यूजली आपके पास पूरे दिन की बैटरी हो जाता है चार्ज। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। और बाकी इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है। मैं ट्राई करता हूँ कि एक कैमरा की वीडियो बना के लाऊं, जिसमें इसमें सिर्फ मैं आप लोगों को कैमरा सैंपल्स और जो फ़ोन से वीडियो है वो दिखाऊं, मतलब रॉ में दिखाऊं विदाउट एनी एडिट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। Thank you.